राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे खान सर के बारे में। पूरा नाम जो इनका फैजल खान, जन्म जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में हुआ है इनका। मध्यम वर्गीय परिवार में पिता जो है सेना में थे, उनकी माँ जो है गृहिणी है, उनका एक बड़ा भाई है जो सेना में कमांडो है। खान सेवा जो है देश सेवा करना चाहते थे और हमेशा अपना कुछ ज्ञान जो है लोगों को देना चाहते थे, मुफ्त में पढ़ाना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने NDA परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन भौतिक कार्यों में चयन नहीं हुए, इसलिए वह सोचते थे कि क्या वह सेना भर्ती के लिए नहीं चुना गया तो क्या हुआ। तभी वह सोचे कि क्यों नहीं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए और उन बच्चों को शिक्षित किया जाए जो एकदम माध्यम से जो है मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, जिनको उच्च शिक्षा नहीं मिल पाते हैं। तो जो है यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए खान GS रिसर्च सेंटर के नाम से। यह जो पटना में है, आज पूरा भारतवर्ष के बच्चे इनके चैनल के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और काबिल बन रहे हैं अपना एजुकेशन करियर में। खान सर जो है पटना में एक अनाथालय शेड भी शुरू किया। उन्होंने सभी बच्चों की देखभाल और पढ़ाई सिखाने कराने की कोशिश की और एक गौशाला भी खोल लिया। पूरा नाम जो है फैजल खान, निकनेम जो है खान सर, प्रोफेशन है टीचर। पढ़ाने का तरीका इनका काफ़ी अलग है। उम्र जो है 37 साल। 3 जून 1986 को जन्म हुआ था गोरखपुर UP में। होम टाउन है पटना बिहार। मुस्लिम धर्म से संबंधित है। पिता जो है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, मदर जो है होम मेकर। सोर्स ऑफ इनकम है इनके यूट्यूब और खान GS रिसर्च सेंटर पटना में खोल रखा है इन्होंने। नेटवर्थ वैल्यू जो है इनकी 50 लाख से 1.5 करोड़ के आसपास। सोशल जानकारी के अनुसार खान सर की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उन्होंने पहले ही सगाई कर ली है और वे दोनों जो है अप्रैल 2020 में शादी कर लेते हैं, लेकिन कोविड के कारण उनकी जो शादी स्थगित हो गई। उनकी जो है गर्लफ्रेंड है और वो है डॉक्टर, बनारस हिंदू कॉलेज में पढ़ती हैं। खान सर का जो है जन्म यूपी के गोरखपुर में हुआ। इसके बाद वे जो पटना बिहार में रहने लगे और एक कोचिंग सेंटर शुरू किया। ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी छात्रों को पढ़ाते हैं। वे कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, सभी छात्रों का सम्मान करते हैं। उन्होंने पटना में खान GS रिसर्च सेंटर सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर खोला और इसी के साथ उन्होंने पटना में सबसे बड़े पुस्तकालय की स्थापना की। शुरू में उनके कोचिंग सेंटर में कम छात्र थे, लेकिन उनके पढ़ाने के तरीके को देखते हुए 5000 छात्र वे पढ़ाते हैं एक बार में। अब जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी उन्होंने। और काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं दिनों दिन। सगाई इनकी हो चुकी है। खान सर तो विवादों में आ गए थे जब वो एक वीडियो के जरिए पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी तरीके लगभग पाकिस्तान द्वारा किए गए एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट को समझा रहे थे। इस रैली में जो कुछ बच्चे भी शामिल थे, इस पे खान सर भड़क गए और वीडियो में वे कह रहे थे, अब ये देखिए ई रैली में ये बच्चा सबको क्या पता कि राजदूत क्या चीज़ है। बाबू लोग तू लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पर मत जाओ, अब्बा तो 65 साठ ही रहे, 18-20 को पैदा होंगे।
मुस्लिम समुदाय को खान सर भड़क गए और कहने लगे कि ये खान कोई हिंदू है जो मुस्लिम नाम रखकर लोगों के खिलाफ जहर उगलता है।